बाद में दे देना, भजन गाए ना उसके बाद में दे देना। कल का कथा कौन सुनाएगा?
हाँ तुम शुण कल कथा तुम कह पढ़ आस तो हाँ ना पढ़ आस कि नहीं कह माइक नहीं से माइक नहीं तुमने कुछ पढ़ कर आए हो ए बड़ा पंडित कुछ पढ़ कर आए कि नहीं कल का कथा क्या भी देख रहे हो क्या यहाँ आने से पहले पहले देख करके आना घर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वज्ञ गुरुपाद्मचार्य स्वामी ओम विष्णु पादस्तोत्र श्रेष्ठ भक्तिवेदांत सिद्ध गोसाई महाराज जी का उपरांत परम गुरुदेव श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज का भागवतम के दशम स्कंद की आदिशील चरित्र की कड़ी में हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार मैया यशोदा ने गृहवर्त को मारने के पश्चात जब भगवान ने गृहवर्त को वध किया तो माँ की कृष्ण को देखकर जब बाल्य स्वरूप को देखकर के माँ के स्तन में दूध भराया अब दूध भराया तो ठाकुर जी को भूख लगा तो यहाँ पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एकदार भक मादाय एकदार भक मादाय स्वंत भारत भारत के भामिनी प्रश्नोत्तम पायया मास परम स्नेह परिपूर्ण जब कृष्ण कृष्ण को जब माँ ने कृष्ण को देख तब ठाकुर जी ये सोचने लगे कि माँ की जो वात्सल्य है उसको किस प्रकार में उनको आश्वासन करने के लिए और ठाकुर जी को भी भूख लगने लग गया कतार मान गया तो यहाँ पे माँ उनको स्तनपान कराते कराते मैया यशोदा सोच रही है कि उनको डर लगने लगा देखिए कि जितने भी असुर है जो भी सब कंस के द्वारा ये सब प्रेरित होकर के ये पता नहीं क्या क्या काम करते हैं और मरने के लिए इनको जगह नहीं मिलता मेरे अंगन पे आकर के मरते हैं तो माँ डर के मारे सोच रही है तो इस प्रकार से भगवान ने एक साल तक इस प्रकार लीला किया पुतना को मार के छह दिन में पुतना को मारे तीन महीने में सकटासन और एक साल के अंदर उन्होंने कृणानंद को उदार किया उसके पश्चात वसुदेव महाराज जी जो है उन्होंने वसुदेव महाराज जी गर्गाचार्य को बुला करके सारे बात बताए और उन्होंने कहा कि एक साल होने को आज हो गया है अब तक मेरा जो पुत्र है दोनों पुत्र हैं इन दोनों का नामकरण नहीं हुआ है इसीलिए आप जाइए और जिस प्रकार जैसे किसी को कुछ बताना चले उस प्रकार पुत्र के नामकरण करके आना परंतु यहाँ पे उन्होंने उनको सावधान भी कर दिया क्योंकि गर्गाचार्य जो है वो कुल पुरोहित है और कुल पुरोहित कभी दूसरे कुल में पुरोहिताई नहीं करते जिस कुल में उनके बाप दादा परदादा आदि पुरोहिताई करते हैं इसीलिए वे लोग क्या करते हैं जो उसी कुल में ही पुरोहिताई करते हैं और जिस कुल को भी कोई यजमान बनाते कोई यजमान का भी कर्तव्य है कि वही जो पुरोहित जो वंश कर्तव्य आता है उसी की पीढ़ी में ही जो बेटा होता है उसी के द्वारा भी अपना कुल पर किसी प्रकार अनुष्ठान करवाते हैं यहाँ पे वसुदेव महाराज के जो कुल कौन है श्री गर्गाचार्य जी श्री गर्गाचार्य के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गर्गा वसुदेव गर्गा पुरोहित गर्गाचार्य को बुला करके उन्होंने बोला कि आप जाइए और मेरे दोनों पुत्रों की नाम कर तो यहाँ पे जब उन्होंने सुना कि मैं कृष्ण जो ठाकुर जी के
नामकरण करने के लिए जाता हूँ अपने आप को बड़े सौभाग्यवान समझा, क्योंकि जो पुरंदर ही है बाकी तो जो ब्राह्मण लोग हैं, जो लोग के कारण जो पुरोहिताई करते हैं उस प्रकार के पुरोहित पुरोहित उस समय नहीं हुआ करते थे। इसीलिए जब पुरोहित पद के लिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को बोले कि आप पुरोहिताई करिए सूर्य वंश में, उन्होंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो पुरोहित है वो जिस कुल में वो पुरोहिताई करेंगे उस कुल का अलग आना पड़ेगा, यदि वो दूषित करना होगा तो उनका जो तपस्या नष्ट होगा, इस डर के कारण उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। परंतु ब्रह्मा जी ने उनको बताया यदि तुम्हें यही पुरोहिताई साधारण पुरोहिताई करते करते पुरोहिता मतलब जो उस कुल में जितने भी अनुष्ठान होता है बच्चे का हो या फिर उस कुल में जो भी है उनका जो अनुष्ठान करना जो वैदिक अनुष्ठान करना तो ये पुरोहिताई करते हैं, तो ये पुरोहित करते करते अगर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए तो तब करे अच्छा ठीक है। अगर अनायास ही हमें सूर्य वंश में पुरोहिताई करके भगवत प्राप्ति होना है तो निश्चित रूप से पुरोहिताई करेंगे। इस प्रकार से जैसे वशिष्ठ ने वशिष्ठ को इस प्रकार सौभाग्य प्राप्त हुआ था, राम आदि चार भाइयों को ठीक इसी प्रकार गंगाचार्य भी सोचते हैं बहुत भाग्य मिला है कि मैं आज मेरे को श्री ठाकुर जी का दोनों भाइयों का नामकरण करने का मौका मिला है। ये सोच करके उन्होंने मथुरा से आए और आ करके जैसे पहुंचे उस समय नंद बाबा ने बड़े प्रसन्नित हुए श्री वसुदेव गर्गाचार्य को देख करके कि गर्गाचार्य जी यही अंत में जो भागवत के बाद सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो है श्री गर्ग संहिता। क्योंकि एक व्यक्ति है जो वेद है वो तो वेद है श्रुति शास्त्र हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति उस समय प्रत्यक्ष रूप में उसको देखा है उसकी स्मृति में जो है जो इतिहास उसके स्मृति में है उन्होंने ये सारे बातें गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी की लीला को देखा था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम से उस ग्रंथ को संस्करण किया तो उसका नाम पड़ा गर्ग संहिता। तो लगभग सब ठाकुर जी की जो बाल्य लीला और जो अंतिम जो स्वधाम जाने से पहले जितने भी लीलाएं हैं गर्गाचार्य ने उसमें स्थान दिया है। इसीलिए गर्गाचार्य जी जब आए नंद बाबा ने देखा कि ये तो यदुनाम से महातपा यदियों में सर्वश्रेष्ठ है और अहोभाग्य मेरा है जो ऐसा महान तपस्वी जो है गर्गाचार्य आज हमारे घर पर पधारे। नंद बाबा वहां पर कहते हैं गर्गाचार्य को देख करके प्रणाम करते हुए उनको स्तुति करके कहते हैं महत विचलनम नैनम ग्रहिणम दिन चेतसाम निश्चय साय भरो कल्पते तथा क्वचित अन्यथा क्वचित। कहते हैं प्रभु आप बड़े महान तपस्वी है धर्मात्मा पुण्यात्मा है और भक्त हैं, तो आप हम जैसे गृहस्थों के घर में क्यों आते हैं? तो कहते हैं कि आप क्या आपको इसमें कोई स्वार्थ है? तो हम यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं क्या जो भक्त लोग हमारे घर पे आते हैं क्या इसमें भक्त लोगों का कोई स्वार्थ है या कोई अन्य अहेतु की कारण अहेतु की कृपा के लिए वो हमारे घर पे पधारते हैं? तो इसी उत्तर में कहते हैं कि संत कुछ देने के लिए आते हैं घरों में, गृहस्थों के घरों में संत देने के लिए आते हैं। क्या देने के लिए आते हैं? वो कहते हैं इसके उत्तर में कहते हैं कि उनको इसमें कोई मतलब नहीं है। इसकी उदाहरण कई शास्त्र कई जगह है, जैसे पृथ्वी महाराज जी थे, पृथ्वी महाराज जी के यहाँ पे पृथ्वी महाराज जी कौन है? भगवान के अंशावतार है। अब पृथ्वी महाराज जी के यहाँ पे जब चतुर्सन पृथ्वी महाराज जी अंशावतार होने के बावजूद भी वो अभी गृहस्थ लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान भी अपने गृहस्थ लीला में दिखाया कि संतों की आदर किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे भी आते हैं तो उनको वो जैसा जो भी स्वागत करते हैं और वहां पे वो कहते हैं तुलयाम लग्नापि स्वर्ग न अपुनर भव भगवत संग भगवत भक्त संगस्य मर्तानम किमतासि सर। कहते हैं एक लव मतलब एक सेकंड का एक निमिष का जो 11वां हिस्सा है उसको एक लव कहते हैं। यदि एक लव भी साधु के संग हो जाता है, कौन से साधु कि जो साधु संग कृष्ण नाम जिस संग से जो भगवत प्रेम लक्षण भक्ति की प्रादुर्भाव होता है श्रद्धा के माध्यम से, ऐसे भक्तों के संग एक लव भी अगर मिल जाए तो कहते हैं तुलयाम लव नापि मतलब जो स्वर्ग और अपना लव मतलब मोक्ष ये दोनों को भी उसके बराबर नहीं कर सकते। कितना कहा स्वर्ग सुख है, कहा अपुनर्भव मतलब मुक्ति का सुख है। यदि दोनों को मिला करके भी
जो भगवान की भक्तों की एक लब मतलब एक सेकंड में उसके कुछ एक हिस्सा अगर भक्तों के संग हो जाते हैं कहते उसका भी किसी भी प्रकार के एक स्वर्ग मोक्ष के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है। तो पृथ्वी महाराज इस प्रकार उन्होंने क्या करते हैं मतलब चतुर्सन को इस प्रकार स्तुति करते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने जो क्या नाम फिर आगे दूसरा उदाहरण देते हैं कहते हैं कि जैसे बामन भगवान भी बलि महाराज जी के यहाँ पे आए तो बामन भगवान तो कौन भगवान है तो भगवान पूर्ण काम है परंतु पूर्ण काम होते हुए भी जब उनके उनको कोई किसी को मांगना नहीं पड़ता जब उनके पास सब कुछ अच्छी है पहले से ही तो वो फिर इतने छोटे से राजा के पास वो क्यों आए क्योंकि वे प्रहलाद के कुल में है और प्रहलाद के कुल में होने के कारण अपने प्रिय भक्त के कुल में होने के कारण और उन्हीं के अंदर इतना जो क्या था मतलब भक्ति भावना थी इसीलिए उन्हीं के पास आए और उनको गरुड़ पास में बांध करके ताकि भगवान चाहते थे कि बलि के मन में किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं रह जाए थोड़ा सा कुछ मैं अपने लिए बचा दूं इसलिए उनको बांध दिया। अब जैसे कि व्यक्ति को संपूर्ण रूप में भयभीत कर दिया जाए तो जो हम बोलेंगे वो व्यक्ति वही करने के लिए तैयार हो जाता है ठीक इसी प्रकार से कि भयभीत के कारण नहीं शुरू से ही उन्होंने उनको भक्ति भावना से भगवान को आदर सत्कार किया था इसीलिए भगवान ने उसको सर्वस्व लेने के लिए भगवान उनके पास है। परंतु ऐसा भक्ति उन्होंने दिखाए इतना आत्मसमर्पण उन्होंने किया ऐसा उन्होंने सब कुछ मतलब त्याग करके जो भगवान के लिए जो निवेदन किया आत्मनिवेदन किया उससे भगवान इतना प्रसन्न हो गए बाद में वो उनको सबसे जो सुंदर लोक भी प्रदान किया और साथ ही साथ आज भी बामन भगवान जो सुंदर लोक में बलि महाराज जी के द्वार पर के रूप में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु है महाप्रभु भक्त के घर में जाते थे ये भी भगवान है परंतु फिर भी दिखाते क्या कि जाने पर भी हम भक्तों के घर जाने पर भी ये क्या देने के लिए नहीं अभी तो कुछ देने के लिए जाते। अब कहते हैं कि कौन से भक्त के घर में जाते हैं निर्णम मतलब जो नर है निर्णम मतलब यहाँ पे केवल इस पृथ्वीवासी के घर में ही जो दीनचर यानी कि जो दीनहीन व्यक्ति होते हैं उन्हीं के घर पे ही आते हैं ताकि इनके घर में आकर के जो दीनहीन व्यक्ति भक्ति भावना से जो साधु संस्कार के आदर सत्कार करते हैं उन्हीं के घर में जाकर के उनको अहितुक प्राप्ति करा देते हैं। कहते हैं और ये कहीं स्वर्गलोक में जाने के सुना है हमने नहीं सुना क्या कभी किसी ब्रह्मचर्य के घर में जाते हैं हमने नहीं सुना परंतु गृहस्थ के घर में क्यों जाते हैं क्योंकि जो गृहस्थ धर्म को जागरण करता हुआ भगवान की भक्ति के साथ केंद्रित हुआ है ऐसे भक्तों के घर में श्री ठाकुर जी जाते हैं। और आगे कहते हैं कि जब वो इसके बाद में और भी बोल सकता है हाँ कौन बोलेगा हाथ उठा जो हाथ उठाएगा वही बोलेगा सब बोल सकते हैं सब पंडित है श्रावण देते हैं उनका वहां पे गगन चाचा के बात को सुन के नंदबाबा बोलते हैं कि आप चिंता मत करो
आप गोष्ठ में चलते हो वहां पे एकांत में इनका नामकरण करना। मैं इसी बात का किसी को भी मतलब कहीं पे कानों कान भी खबर नहीं होगा, किसी गुप्तचर को भी पता नहीं होगा कि कंसर को बोलेगा क्या, तो जब को पता होगा तब जाके तो बोलेगा, तो किसी को भी पता नहीं होगा। और आप गोष्ठ में भी बिना उत्सव से ही, मैं कभी विशेष करके कुछ भी उत्सव नहीं करूंगा, बिना उत्सव से ही आप नामकरण संस्कार कर देना। अब इतने सुन के गर्गाचार्य तो पहले आए ही थे कि ठाकुर जी को अपने गोद में ठाकुर जी को नामकरण करें, और इतने सुन के गर्गाचार्य बहुत आनंदित हो गए, अब नामकरण करने लगे। तो यहाँ पे गर्गाचार्य त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी है तो जो उनके जो दो माता थे कृष्ण कृष्ण के जो माता यशोदा मैया एवं बलदेव प्रभु के जो माता रोहिणी देवी, उन्होंने सोचा कि सच में त्रिकालदर्शी है या ऐसे कोई भेद होने के आगे। तब उन्होंने क्या किया, जब यशोदा माता ने रोहिणी के पुत्र बलदेव प्रभु को गोद में लिया और जो रोहिणी माता यशोदा मैया के पुत्र कृष्ण को गोद में लिया, अब यहाँ उनको पता चल जाएगा कि कौन किसका बेटा है। तो उन्होंने जब आए तो गर्गाचार्य जी यहाँ पे नामकरण कर रहे हैं कि अयम हे रोहिणी पुत्र रमयम सुबुधो गुणे आख्याते राम इति बला अधिक्या परमसिद्धो, कि बोलने की ये रोहिणी पुत्र है जो यशोदा माता के गर्भ में थे बलराम, उनके नामकरण कर रहे कि ये रोहिणी पुत्र है। तब इनको पता चल गया कि यार ये तो झूठमूठ के नहीं, ये तो पक्का पूरा त्रिकालदर्शी है। फिर वो बोलने की ये रोहिणी पुत्र है और इनका नाम क्या होगा, ना इनका नाम होगा कि ये राम आख्याते राम इति और बलाधिक्य बलम्बितो, ये हर चीज में सबसे श्रेष्ठ बल प्रदान करते हैं। बोले किस चीज में विशेष करके बल प्रदान करेंगे, ये भक्ति के बल प्रदान करके। जो बलदेव प्रभु होते हैं वो गुरु तत्व होते हैं, उनकी कृपा से ही भक्ति में प्रवेश किया जा सकता है। और दूसरा नाम यहाँ पे बता रहे हैं कि संकर्षण, संकर्षण का तो अर्थ गुरुदेव बताया था। एक तो इन्होंने देव की माता के गर्भ में पहले आए और देव की माता के गर्भ में आके फिर जो माया देवी के द्वारा इन्होंने संकर्षित हो गए, तो इनके नाम संकर्षण है। और दूसरा बता रहे थे कि ये कभी भी जदुवंश और गोप में गोप वंश में कभी भी झगड़ा करने नहीं देते, समझा कर करके रखते हैं। और इनका जो विशेष सेवा है कि बलदेव प्रभु कौन है ना कृष्ण लीला में, ये विशेष करके छत्र व्यंजन सखा इत्यादि इत्यादि रूप में धाम के स्वरूप में अलंकार के स्वरूप में कृष्ण की सेवा करने के लिए ये बलदेव प्रभु का प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण ओम अज्ञानित विराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर। तो बच्चे लोग तुमको सुना है, तुम तो सुनते हो बच्चे लोग, तुम लोग भी थोड़ी थोड़ी बोलना ठीक है, कापी पर ले आना, तुम लोग भी लिखना जितना होगा। अगर देखो एक कथा होता है सुनना चाहिए सुन लेते हैं, लेकिन एक कथा होता है सुनाने के लिए जब सुनते हैं ना पूरा अच्छे तरह से सुनते हैं ना, जब सुनाने के लिए जब सुनोगे अरे बोलोगे नहीं हम कल जैसे सुना पाएंगे हैं, इसलिए फिर तुम अच्छे तरह से सुनोगे ठीक है। ऐसे नहीं मैं पूछूंगा इसलिए कल आओगे नहीं। हाँ ऐसे कुछ बच्चे होते हैं महाराज हमें कुछ नहीं दे इसलिए कल जाऊँगा नहीं, पूछेगी इसको ऐसे नहीं होनी चाहिए ठीक है ना, इसलिए कल नहीं पूछूंगा, कल कापी लेकर के आना थोड़ी थोड़ी लिखना ठीक है, ठीक लिख करके फिर परसों कोशिश करना बोल, जो बोलेगा मैं बोलूँगा उसको ही पूछूंगा, अगर नहीं बोलूँगा नहीं बोल पाओगे तो पूछूंगा नहीं, सर ऐसे डर पर फिर कथा भी नहीं आओगे ठीक है। बच्चों बच्चों देख लेना अगर थोड़ी थोड़ी याद करके बोलोगे तो। हाँ हरे कृष्ण, अब देखना भागवत में छोटे छोटे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे पूरी भागवत खोल यूट्यूब खोल कर देखना क्या हाँ बाल सुख इतने इतने छोटे छोटे बच्चे 8-10 साल के पूरी भागवत एक चित्रलेखा लड़की देखने वो तो पता नहीं कितने छोटी उम्र से कर कथा करते करते आए, कितने छोटी उम्र ठीक है, इसलिए तुम लोग कोशिश करोगे तो देख कहानी और कृष्ण कैसे खेलते थे नाचते थे पीते थे यही करते थे। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाकया।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल श्रवण कर रहे थे श्री गंगाचार्य श्री ताऊ भैया का दो नाम रखा। क्या नाम रखा? एक बलराम और एक शंकरसन। उन्होंने दो नाम रखा। अभी कृष्ण का नाम करने करेंगे। तब गंगाचार्य थे, वो त्रिकाल दृष्टा थे, सब जानते थे। जब उन्होंने ध्यान लगा करके बैठे, ये बच्चा कौन है, ध्यान लगाया तो पूरा उनको ध्यान ही लग गया, ध्यान खोल ही नहीं जाता। बोले क्यों? बोले जिसका एक दो चार नाम हो, कोई एक नाम उनका रख ले, लेकिन ये विश्व ब्रह्मांड में जितने नाम सब उन्हीं का नाम है। इसलिए हम लोग भजन गाते हैं ना, जय जसो मति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल राजन कान गोपी परायण धन मदन मनोहर काली अदम भक्त विनोद ठाकुर ने ही ज्यादा करके भगवान का नाम को दे देकर कीर्तन किया। कितने और सवेरे एक भजन गाते ना, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, विवाह विशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे देव नृसिंह वामन श्रीमधुसूदन व्रजन नंदन श्याम पुतना घातन कैटव सातन जय जय। पूरा पूरा कीर्तन को दे दे, भगवान का नाम को दे दे कीर्तन की, पूरा ठाकुर का नाम को दे करके एक भजन गाते हैं ना, जय राधा माधव जया कुंज विहार। पूरा पूरा कृष्ण नाम दे देकर किया। और एक उन्होंने बहुत अच्छा भजन गाया, कौन सा? हरि नाम तो अनेक स्वरूप का नाम को दे दे करके कितने कितने उनको ऐसे भजन लिखा भक्त में ठाकुर।
इसलिए अभी वो सोच रहे भैया किसको दो चार नाम हो, एक नाम रख दे, दुनिया में सारे नाम सबका नाम पूछ लो, सबका नाम पूछ कर देखोगे ना तो लास्ट में भगवान कृष्ण को ही लिखा करता है सारे नाम। इसलिए जब उन्होंने ध्यान में बैठे सारे विश्व ब्रह्मांड को देखने लग गए, कितने नाम कितने नाम कितने रूप कितने गुण देखने लग गए। अभी तो पूरा ध्यान में बैठ गए, उनका आँख ही नहीं खुल रहा था, लेकिन गर्भ से नंदा बाबा तो व्याकुल हो रहे थे, मेरे लाला का छोटा लाला का नाम क्या होगा हैं? जब उनका आँख ही नहीं खुला, उनको पकड़ करके हिलाए, बोले बाबा बताओ ना क्या बच्चे का नाम तो बताओ, क्या लाला का नाम होगा। फिर उन्होंने बोले आशा नवर्णास्त्र शुक्ल रक्तानी कृष्णता। तो बोले तुम्हारे ये जो बच्चा है ना, ये हर जुग युग में ये बच्चा आता है, यही बच्चा ही है सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, तृतीया युग में रक्त वर्ण धारण ये यज्ञ का समय में प्रकट हुए थे, और जब कलयुग में तुम्हारी ये बेटा नवद्वीप में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री गौर हरि रूप में आएगा, चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएगा। इसलिए देखो जब भगवान कोई आते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी नहीं आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर समझो जैसे मोदी आएगा नहीं तो योगी आएगा, अब देखना पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा, न्यूज पेपर में आ जाएगा, साधारण एक योगी मोदी आने के लिए उसके लिए कितने तैयार होगा आप देखना। अगर मोदी आए ना पता नहीं सारा दुनिया में एकदम हड़कंप बच जाती है, मोदी आएगा रोड को सही कर देते हैं और गेट सजाओ उनके लिए, पुलिस कहाँ आकर के लेक्चर देगा उसके लिए तैयार, साधारण एक मंत्री के लिए इतने तैयार, और जगत का पालनहार विश्व ब्रह्मांड का मालिक जब आएगा ऐसे आ जाएगा। इस चीज को अच्छी तरह समझो तुम गौड़ी मठ का लोग अच्छी तरह समझो। इसलिए भगवान जैसे तैसे नहीं आ जाते, भगवान जैसे तैसे ठाकुर जी नहीं आ जाते हैं, हाँ इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे। देखो भागवत में गर्गाचार्य स्वयं कब कह रहे हैं, द्वापर युग में कृष्ण का जब नामकरण कर रहे हैं तभी बोल रहे हैं, हैं? कृष्ण कलयुग में श्री नवद्वीप में सची माँ के गर्भ से पिताजी का नाम होगा जगन्नाथ मिश्र है, और उनका पत्नी के नाम होगी विष्णु प्रिया। फिर कहाँ पर जन्म ले बगैर गंगा तीर निकटस्थ सन्यासी गौरव विग्रह, इसलिए दारु ब्रह्म निकटस्थ सन्यासी गौरव विग्रह, दारु ब्रह्म मतलब श्री जगन्नाथपुरी में वहीं पर महाप्रभु सन्यासी ग्रहण करके रहेंगे। डिटेल्स रूप में इतने श्लोक महाप्रभु के विषय में कितने सारे श्लोक लिखा हुआ है, भगवान पिता जैसे अभी कल की अवतार नहीं हुआ है, लेकिन कल की अवतार कहाँ हुआ, भागवत में लिखा हुआ है। देखो तो बोले संभल ग्राम मुकस्य, गांव का नाम होगा संभल, अभी यहाँ पर ज्यादा मुसलमान लोग तंग करते हैं, इसलिए मुसलमान कल संभल ग्राम मुकस्य ब्राह्मणस्य महात्मन, एक महात्मा ब्राह्मण घर में आएंगे, पिताजी का नाम क्या होगा, बोले विष्णु जसस्य, उसको पिता नाम कहा विष्णु जस नाम होगा, हाँ कल की प्रादुर्भव थी कलयुग में भगवान विष्णु जैसे उसको पिताजी का संबलपुर ग्राम में ठाकुर जी कलकी अवतार लेकर दुष्टों को विनाश करें, ये भागवत में पहले लिखा हुआ है, हैं? जैसे बुद्धा अवतार है कि कटेश गांव का नाम दिया हुआ है अंजना, उसको माँ के नाम अंजना भागवत में लिखा हुआ है, ये बुद्धा अवतार होंगे हैं। इसलिए अगर कोई भगवान आएंगे तो पहले शास्त्र में लिख जाता है, इसलिए यहाँ पर गर्गाचार्य भी यहाँ पर उन्होंने यही, जब हम एकादश स्कंध में जाएंगे नेमी नवजोगेंद्र संवाद में, जब नेमी महाराज प्रश्न करते हैं कलयुग में अवतार कौन है हैं? और उनको नाम क्या होगा, क्या करेंगे, उनका अस्त्र क्या होगा, तो वहां पर तीन श्लोक में हैं, तीन श्लोक में नवजोगेंद्र तीन श्लोक में उनको कहां पर जन्म लेंगे क्या होगा सन्यासी के, तीन श्लोक में पूरा महाप्रभु का कथा सुनाए। इसी तरह यहाँ पर गर्गाचार्य भी अपना दिव्य दृष्टि से यहाँ पर भी बता रहे हैं, तुम्हारी जो बेटा है कलयुग में नवद्वीप में सची माँ की बेटा बन करके श्री सचिनंदन बन करके मायापुरी में जन्म ग्रहण करेंगे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जोर से बोलो, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। नवद्वीप कौन कौन गए हो, हाथ उठा, अरे सबके सब करके गए हो, जो नहीं गए कोशिश करना एक बार जानने के लिए, ठीक है ना।
वहां जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे अपराध तुम्हारे नष्ट हो जाएगा हैं। क्योंकि कृष्ण अवतार राम अवतार में जो प्रभु के चरण में अपराध किया ना, ठाकुर जी ने को माफ नहीं किया, ये सब के सब नवद्वीप में जन्म हुए। जब उसको पता चला महाप्रभु नवद्वीप में ऐसे अवतार ग्रहण करेंगे, पापिता भी विचार नहीं करेंगे, जो आगे पढ़े तार करे निस्तार, अगर एक बार श्री महाप्रभु के चरण में आकर के बोले हे प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो, फिर वो देखेंगे नहीं तुमने पहले क्या किए हो, वो चीज को नहीं देखेंगे, तुम्हारे अपराध को ये माफ कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना एक बार नवद्वीप धाम में आने की। तू आया तेरे को छोड़ के सब आ गए, इसलिए इसलिए एक बार नवद्वीप धाम में एक बार जानी चाहिए। और वहां पर इतने लोग को देखो ना, तुम देख देख कर आग फट जाएगा, हे भगवान आप कहीं से लगेगा विश्व ब्रह्मांड काल को सद यहीं पर आ गए सबके सब। क्योंकि शास्त्र में बताया गया जब कलयुग आएगा, जो दूसरे दूसरे स्थान का जो है, जो दूसरे दूसरे स्थान का जो महिमा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन कलयुग में नवद्वीप धाम की महिमा बढ़ जाएगा, ये शास्त्र में बताया हुआ है। इसलिए नवद्वीप परिक्रमा में अगर हम दो परिक्रमा कहीं टकरा जाते ना, इतना भीड़ हो जाता है। एक बार मैं इतने बुरी तरह से फंस गया था, कैसे प्राण बचा करके मैं निकला है, तो मायापुर से एक इस्कॉन पार्टी और हमारा पार्टी दोनों इकट्ठे हो गए, कहाँ पर, जहाँ महाप्रभु का जन्म स्थान, वहाँ साइकिल गाड़ी भाई खड़ी हुई थी, ऐसे में फंस गया, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं जाऊँ कैसे जाऊँ किधर, प्राण को लेकर कैसे छूटे। अब पिछली बार हमने क्या हुआ, जब गंगा पार हो रहे थे, तुम लोग गए हो ना, कितना भीड़ होता है, हम ऐसे फंस गए, हमारे साथ कपड़े फट, मेरा और संजीव हम तीन श्रीकांत सबका कपड़ा फट गया। हाँ कई अभी चोट लगी इसकी, इसलिए इसलिए इतने भीड़ होते हैं। लेकिन आप मत सोचो भैया हम भी कहीं जाकर फंस जाएंगे, नहीं हम आगे गए इसलिए फंस गए, जो पीछे रहते हो सही रहते हैं, आगे जो जाते सही रहते हैं, वो जहाँ पर नदी पार होते ना सब चाहते हम भी नदी जल्दी जल्दी पार करें, इसलिए होता है, ऐसे वैसे भीड़ नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते नंद बाबा जब उनकी आँख खुली, बोले तुम्हारी जो बेटा हर युग युग में ये अवतीर्ण होता है, बोले इदानी कृष्ण धाम करता, अभी इसने ये कृष्ण बन करके आए, इसलिए इनका नाम कृष्ण नाम होगा, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए कहते कृष्ण इनका नाम होगा। कृष्ण नाम क्यों दिया, कहते भगवान का जितना नाम हम जब कहते ना, क्या किस नाम से, कृष्ण, यद्यपि इनकी बहुत गोविंद मधुसूदन बहुत सारे नाम है, लेकिन हम जो बोलते हैं ना ये कृष्ण नाम से विशेष करके बोलते हैं। कृष्ण मतलब क्या होता है, काले, क्या बोलता है जैसे काले, बोले ऐसे नहीं, इसलिए कहते उनका नव जल घर घनश्याम नीलमणि है, और उनको इंद्र नीलमणि, एक इंद्र नीलमणि होता है उसका रंग जैसे, कहते इनका रंग काला क्यों है, तो उदाहरण दिया है ब्रह्मा जी कहते नव मिट अभ्र बभु से, जब वो उदाहरण देते हैं प्रभु का रंग कैसे है, बोले घना मेघ है, जैसे आकाश में मेघ देखे होंगे, ये मेघ कब होता है, जब बादल जब ज्यादा इकट्ठे हो जाता है ना काला घना, तभी बारिश होती है, इसलिए बादल में क्या रहता है, पानी है, पानी जब इकट्ठे हो जाता है, पानी का एक नाम होता है कृपा, लेकिन भगवान का स्वरूप काला की, उसीलिए भगवान कहते ना हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, भगवान दिनों का बंधु करुणा की सिंधु है, इसलिए कृष्ण काला मेघ मतलब दयालु, कृष्ण बड़ी कृपालु ठाकुर जी, पहले हम लोग ने सुन करके आए ठाकुर जी कितने दयालु, और दूसरा कारण भी जब बारिश होता है ना, आप देखना वो ये विचार, अरे ये टाटी क्या हुआ, यहाँ पेशाब क्या, गंदा स्थान, हम पानी नहीं बरसाएंगे, ऐसे होता है, पानी जब बरसती है सब जगह में बराबर बरसती है, इसका मतलब है भगवान की जो कृपा है सबको बराबर रूप में ठाकुर जी कृपा करते। अभी प्रश्न है हमारे अंदर में कितने आधार पकड़ने का, बारिश सब जगह में होती है, रुकती कहाँ पर, जहाँ गड्ढा, गड्ढे जहाँ पर वहीं पर रुकेगी, जहाँ पर दीनता वहीं पर ही ठाकुर का कृपा जा करके वहीं पर रुकती है, इसलिए बोले इदानी कृष्णताम, कृष्णताम इसलिए जैसे बहुत सारे रंग मिलाओ, अब देखना अलग अलग रंग होगा, लेकिन जब काला रंग तुम्हें मिला तो क्या होगा, वो सारे रंग को अपना लेगा, इसका मतलब है जिसको पर काला रंग चढ़ जाए ना भैया चढ़ना दूजो रंग, इसको पर कोई रंग फिर काम नहीं करता, जैसे आप लोगों पर चढ़ गया तो घर का सारे काम काज को फेंक करके नहीं चलो गौरी बटवी कथा सुनेंगे,
हाँ गौड़ी मठ में कथा सुनेंगे, घर का काम यही रक्त करें। क्यों आपको अपने काला रंग की थोड़ी थोड़ी लग रहा है, काला रंग थोड़ी थोड़ी लग रहा है आपको ऊपर में, इसलिए कहते अभी वो कृष्ण बन करके आए। लेकिन वसुदेव महाराज जब श्री गर्गाचार्य को भेजे थे, बोले गर्गाचार्य आप तो त्रिकाल दृष्टा हो, आप सब जानते हो, लेकिन कृष्ण तो मेरा बेटा है, मैंने रात रात वहाँ रख करके आ गया, लेकिन ये बात नंद को बताई नहीं, इसलिए आप ऐसे एक नाम रखियो जो मेरे नाम को साथ में मिलता जुलता हुआ। इसलिए ये श्लोक कह रहे हैं, क्या श्लोक? प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तबात्मज वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्षते। कहते प्राग अयम वसुदेव से क्वचित जा तबात्मज, लेकिन बेटा किसका? तबात्मज, तेरा ही ये बेटा है, लेकिन ये कभी वसुदेव का भी बेटा बना है, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव ही, इसका एक नाम होगा वासुदेव इति वासुदेव होगा, इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से जाने, इसका नाम वासुदेव होगा है। इसलिए तब गर्गाचार्य कहते हैं देखो जिसका जो नाम है ना बहुनी संति नामानी सुतस्य जतवात्मज, कह तुम्हारी जो बेटा है इसका बहुत सारे नाम है, एक नाम नहीं इसकी बहुत सारे नाम होंगे। बोले क्या क्या इसका बहुत सारे नाम होंगे हैं? कहते इसका नाम होगा कृष्ण नाम होगा, इसका नाम वासुदेव नाम होगा, इसको अखिलेश्वर नाम होगा, उसकी भक्तवत्सल नाम होगा, सर्वज्ञ नाम होगा, गोवर्धन घन नाम होगा, इसलिए गोचारण करेगा इसलिए गोविंद नाम होगा। लेकिन इसके इतने नाम है ना, कहते मैं क्या बताऊं, वेद भी नहीं जानता तेरा बेटा का इतना नाम होगा, वेद भी नहीं जानता, इसलिए मैं कैसे जान सकता हूँ, इसलिए इसको इतने सारे नाम होगा। हाँ अगर जने, लेकिन जो वहाँ जो नंद बाबा थे ना, नंद बाबा तो बड़े, वो तो क्या सोचते हैं कृष्ण कौन है, मेरे लाला, वहाँ तो शुद्ध वात्सल्य है ना, हैं शुद्ध वात्सल्य है, उनको बताइए मेरे लाला है। जब उन्होंने बताया बहुने संति नामानी सुत से जब तब हमारे लाला का बहुत सारे नाम है, वो क्या सोच रहे हैं, हाँ पहले हाँ इस शायद पहले कहीं जन्म लिया होगा पहले, इसलिए उसका बहुत सारे हाँ जन्म कहीं लिया होगा इसलिए बहुत सारे नाम होगा। लेकिन वो जो बता रहे हैं गर्गाचार्य त्रिकाल दृष्टा है ना, वो जो बता रहे हैं तुम्हें युग युग में आता है और ये भगवान है और इनके अनंत नाम इसका है, लेकिन ये चीज को जो ऐश्वर्य को परक बात करे वो चीज उनको समझ में नहीं आ रही है। वो तो सोचे में लाला होगा तो किसी जीवन में इसे जन्म लिया होगा इसलिए सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसका अलग अलग नाम इसको होगा इसको है। जैसे इनका ब्रह्म विमोहन में लीला में है, वहां पर भी जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा का गर्भ को उन्होंने हरण किया, इसलिए ब्रह्मा जी जिनके चरण की स्तुति की, इंद्र का गर्भ को उन्होंने हरण किया इसलिए उन्होंने गोविंद नाम रखा है, हैं? शरणागत जो उनके चरण में शरणागत होएगा उनको क्या करेंगे, उनको रक्षा करेंगे। लेकिन कुछ रसिक टीकाकार लोग कुछ कुछ बात कहते हैं, जो उन्होंने बताया तुम्हारे बेटा का इतना नाम वेद भी नहीं जानता है, मैं क्या बताऊं। लेकिन कुछ कुछ रसिक टीकाकार लोग कहते हैं वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई थी, जसोदा सोच रही है कि पंडित जी पता नहीं क्या क्या उल्टा पुलटा बोलते जा रही, अरे त्रेता युग में ये थे, सत्य युग में ये थे, द्वापर युग में ये थे, इसका बहुत सारे नाम है, हैं इसका बहुत सारे रूप गुण, भैया हमारे इसमें क्या मतलब, हमारे काम की बात बता दे। बोले माताओं के काम क्या बात है, कहते इनकी बूढ़ी उम्र में बेटा हुआ ना, बूढ़ी उम्र में बुढ़ापा में हर अभी तो उम्र हो गया, हर माताएं चाहती बेटा जल्द से जल्दी बड़ा कर हो जाए और इसका घर में शादी कब हो जाए, शादी होकर घर में बहू आ जाए, क्योंकि जो बहू आ जाएगी है जब तक तो बहू नहीं आती है सास को सारे काम करना पड़ता है, लेकिन घर में जो बहू आ जाए ना फिर क्या होता है, माताओं को विश्राम मिलता है, क्यों घर का काम काज को बहू संभाल लेती है, हर माताएं यही सोचती है, है? लेकिन अभी कलयुग होने का नाम धीरे धीरे बदलते हुए जा रहे हैं, सब चाहते हैं हमारे लिखाई पढ़ाई वाले बहू आए और नौकरी चाकरी करने वाले बहू आए, अगर नौकरी चाकरी वाले बहू आ जाए ना फिर उल्टा सास को काम करना पड़ेगा, करेगा कि नहीं, उल्टा उसकी काम बहू को
सवेरे जाते जाने से पहले नाश्ता बनाकर भोग देना पड़ेगा, क्यों काम करती है पैसा कमाती है। लेकिन पहले तो ऐसे नहीं होता था, अभी भी धीरे 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 होते जा रही है, लेकिन जहाँ पर ऐसे नहीं वहाँ पर सही है, है? इसलिए अभी मैया सोच रही, भैया घर का काम काज मैं कब तक करूँ, बूढ़ी हो गई ये तो बताए बेटा का शादी कब होगा, कितने उम्र में और कितने बहू होगी। लेकिन देखो एक श्लोक का दो अर्थ होता है, बहुनी संति नामानी, वो कह रहे हैं तुम्हारी बेटा का बहुत सारी बहुत नाम रूप गुण होगा, लेकिन मैया सोच रही है बेटे बाबा साहब कह रहे हैं बहुनी संति नामानी, तेरे बेटा का ना बहुत सारी बहू होगी। ए भैया तो खुश हो गए, बोले ये काम की बात होता है, हैं भैया बहुनी संति नामानी, जितने बहू होएंगे सास का तो उतना ही सेवा करेंगे ना, अच्छी बात है, किस चीज की कमी नहीं घर में, तो कितना घर में गई आए नल्ला गई आए। पहले आप देखना घर में खेती होती थी और घर में गो धन को सबसे बड़ा धन मानते थे, जिसको पास में जितने गैया हो ना उसको उतना धनी मानी जाती थी, कोई बात नहीं गैया तो बहुत सारी, जितने बहू होंगे अलग अलग दे देंगे, तुम गैया की सेवा करो, गोबर दूध तो वहीं मिलता है, खेती तो है ही है, खूब काम करे खूब कमाई खाए, कोई बात नहीं। इसलिए और बहुनी सतमुच से कृष्ण का कितना बहु, वृंदावन में तो राधा रानी एक ही है, फिर ललिता विशाखा चंपक लता तुंगभद्रा चित्रा सुचित्रा रंग देवी सुदेवी है अनंग मंजर रूप मंजर लवंग मंजर। कहते कृष्ण जब रास किया तो कहीं कहीं कहते हैं 300 करोड़ गोपियों के साथ, कितने और कहीं कहीं आता है 100 करोड़ गोपियों के साथ, इतने गोपियां। फिर कृष्ण जब द्वारका जाते हैं कितने होते हैं, फिर 16,108 उनकी होती है। इसलिए मैया तो खुश हो गई, बहुनी संति नामानी, इसका नाम भी अलग अलग है, रूपानी उनका रूप भी अलग अलग, इसलिए राधा रानी गोरी थी और कालिंदी थी काली, काली थी काली, कोई सावर्ण वर्ण थी। बोले भैया बहु की है, भले काली हो गोरी हो कितने बहु हो, ज्यादा बहु होनी चाहिए धीरे धीरे, इसलिए बहु ज्यादा होनी चाहिए है। इसलिए जिसकी महिमा वेद भी नहीं जानता है, बोले अभी ज्योतिष असली बात बताए है, ज्योतिष अभी असली बात उन्होंने बताई, मैया तो खुश हो गई। बोले तस्मात नंदात्मज अयम, तस्मात नंदात्मज अयम श्रिया कृत्यानुभावेन गोपायो स समाहित, यहाँ पर बीच में शब्द मिल जा रहे हैं, क्या श्लोक तुम्हारा है क्या, तस्मात नंदात्मज अयम नारायण समगुणई श्रिया श्रिया कृत्यानुभावेन गोपायो स समाहित। कहते यहाँ पर तो गर्गाचार्य त्रिकाल दृष्टा है, त्रिकाल दृष्टा होने का नाते उनको सारी बात को एक एक बता रहे हैं। कहते तस्मात नंदात्मज अयम, ई नंदवा तुम्हारी जो लाला है, कहते नारायण समगुणई, ये कैसे होगा हाँ, वो तो एक भाव से कह रहे हैं नारायण समगुणई, मतलब क्या है, कहते तुम्हारी जो बेटा ये सार परिपूर्ण सारे गुण में परिपूर्ण है, लेकिन जो नारायण के अंदर में तुम्हारे बेटा का कुछ गुण प्रकाशित होगा, ये कह रहे नारायण समगुणई है, इसलिए कुछ गुण उनका अंदर प्रकाशित होगा। लेकिन वहां पर श्री नंद बाबा क्या सोच रहे हैं, शायद ये बता रहे हैं शायद होगा नारायण का कुछ गुण कभी कभी शायद मेरे लाला को अंदर में हो सकता है, कभी कभी थोड़ा प्रकाश पाएगा। इसलिए उन्होंने जब गिरिराज को उठा लिया ना, गिरिराज धारण कर लिया, इतने में ब्रजवासी लोग अपनी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला करके उन्होंने बुलाया श्री नंद बाबा को जसोदा को, बोले अरे अभी तो मान लो कृष्ण भगवान कृष्ण पुतना अघासुर बकासुर को मारे, कालिया दमन किया, जब उन्होंने गिरिराज उठा लिए सबको बुला करके बोले अभी तो मान लो है, कभी कभी अगर एक दो मटकी फोड़ देता है उसको उखल में बांध दे तो है, कहीं अगर थोड़ी सी हाँ गड़बड़ किया तो कान मोल दे तो उसको डांट दबड़ तो उसको लठिया दिखा तो खबरदार ऐसे मत क्या करना। अभी तो मान लो भगवान कोई साधारण बालक 7 दिन तक कनिष्ठ अंगुल पर कोई गिरिराज उठा सकता है क्या, 10 मिनट हाथ कर रखो 10 मिनट भी नहीं उठेगा, और 7 दिन तक गोवर्धन गए कि नहीं, कौन गया गोवर्धन, कितना बड़ा गोवर्धन, परिक्रमा लगाने कितने समय लगता है, इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को जो कनिष्ठ अंगुल में धारण कर दिया, और तुम अभी मान लो ये भगवान इसको मान लो उसको पूजा करो, चरण में तुलसी चरण में क्या देकर तुलसी चंदन देकर पूजा करो,
नंद बाबा क्या हा 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 कर जोर जोर से हा लगा कर धर से बोले, देखो हमने सुना था जो ग्वाला लोग है ना इनका 80 साल में अकल का दांत निकलता है, हमने सुना था, आज हम देख लिया है ये कितने बेकूफ लोग सबके सब। मेरे लाला कहा इनको विपत्ति से, मेरे लाला इनको विपत्ति से मुक्ति दिला दिया, अभी मेरे लाला को बड़ी विपत्ति आ गई। मतलब ब्रज में कृष्ण को भगवान बोलना मतलब है हमारे ऊपर विपत्ति आ गई। क्यों? ब्रज में कोई इनको अपना छोरा मानते है, कोई सखा मानते है, कोई प्रियतम मानते है। इसलिए बोले तुम लोगों को क्या पता कृष्ण घर में क्या नटखट करता है, भगवान को झूठ बोलते है बताओ, भगवान को सत्यम परम धीमे ही कहते ना, भगवान को झूठ ये इतना बात बात में झूठ बोलता है। सारे मखन के मखन खा लिया, मैया ने पूछा तेने मखन खाए, कृष्ण क्या कहते हैं, मैया बोली मैंने मखन खाए, झूठ बोल दिया ना, सारे मिट्टी खा लिया, मैया बोले मिट्टी खाई, बोले ना हम भक्सितवान वो मैया, सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी मेरे मैया मिट्टी, ये बात बात में झूठ बोलता है। अगर मैया को थोड़ी सी मिश्री मक्खन रोटी देने में लेट हो गया, डंडे लेकर सारे मटकी मटकी फोड़ फाड़ देता है, ये आपको क्या पता घर में कितना नटखट करता है। और किसी घर में जाता कोई खाना पीना नहीं मिला, मैं टाटे पिसाब कर देता है, आपको क्या पता ये क्या करता है नहीं करता। इसलिए यहाँ पर कह रहे तस्मात नंदात मजयम नारायण, इसलिए नंद बाबा क्या सोच रहे हैं, शायद नारायण का कुछ कुछ गुण, जब उन्होंने ये सब बात को बताए, इतने में नंद बाबा ने बोले तुम लोग मेरे बात नहीं मानोगे लेकिन गर्गाचार्य जी का तो बात तो मान लोगे। गर्गाचार्य जब नामकरण किया था उन्होंने जो जो बोले थे ना पूरा चिट्ठा ला कर देख देख क्या लिखे हैं उनके जन्म, देखो क्या थे ये गर्गाचार्य कहते नारायण समगुण ही, कभी कभी नारायण का कुछ गुण हमारे बेटे में प्रकाश होगा। मेरे लाला कभी गिरिराज उठा सकता है, अगर मैं बोलता थोड़ा पीढ़ी ले आओ ना, पता नहीं उठते गिरते कितने कष्ट से पीढ़ी ले आता है, और जूते भी कहते हो लाला मेरे जूते ले आओ, तो जूते को उठा नहीं पाता है, हैं? आज तुम कहते हो गिरिराज उठा लिया मेरे लाला, ये सब बेकार बात है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कहते, और यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं है? कृष्ण मध्य कुछ विशेष गुण है, नारायण में जो जो गुण है कहते कृष्ण के अंदर विशेषकर चार विशेष गुण है, क्या है बोलो श्लोक बोलो, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कलोलवार। पहला गुण है भगवान का जो रास लीला है, ये लीला किसने किया है। दूसरा गुण क्या है, बंसी माधुरी, केवल कृष्ण के बगैर और कोई बंसुरी बजाए, और कोई बंसुरी नहीं बजाए। तीसरा जो लीला है कहते उनकी रूप माधुरी, कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण लक्ष्मी देख करके स्वयं मोहित हो जाती है, नारायण भी मोहित हो जाते, कृष्ण स्वयं अपना परिचय को देखकर स्वयं मोहित हो जाते थे कि भैया कौन है इतने सुंदर, तब मैं राधा वन करके इनका आलिंगन करूंगा। इसलिए कहते कृष्ण कहते रहे कहते, और विशेषकर क्या है कहते, दैत्यों को मोक्ष प्रदत्त है, कहते हैं क्या हतारी गतिदायक, हतारी गतिदायक मतलब भगवान के हाथ में कोई मरते है ना उनको क्या श्रेष्ठ गति मिलता है। बोले राम के हाथ में मरे उनका क्या गति नहीं मिला, नारायण के हाथ में भी मरे उनको क्या गति नहीं मिला, बोले उनको भी गति मिला है, हैं राम के हाथ में जो मरे नारायण को, लेकिन कृष्ण जैसे पुतना को गोलोक वृंदावन दे दिया, जैसे उन्होंने कालियों को कहाँ दे दिया गोलोक वृंदावन में, बोले तुम जब हमारी इच्छा होगी यमुना में विहार करने के लिए हम उसके सर पर बैठ करके उनको यमुना में विहार करवाते हैं, जैसे नलकुबेर मुनि ग्रीव को मधुकंठ और सिद्ध तत्व बना दिया, कहा बोलो के वृंदावन की है। कहते यहाँ पर कहते उनके अंदर में दैत्यों को जो मोक्ष प्रदत्व है कहते इनके अंदर में, और भक्तगण के महाभाव प्रदत्व है, कहते हैं जो कृष्ण का जो भक्त है ना उनके अंदर में एक विशेष भाव है, कहते भाव महाभाव, ये सब भक्तों के अंदर में नहीं कृष्ण भक्त में दिखाई पड़ता, और कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण जब रासलीला करते हैं उसी समय लक्ष्मी देवी भी जिस रास में प्रवेश की अधिकार जिनको भी प्राप्त नहीं होता है, ये कृष्ण की विशेष गुण है। इसलिए हाँ यह व्यक्त है लो सुमहासुतर यहाँ की रक्षा करी हुए, इसलिए कह तुम्हारी ये जो तस्मात नंदात मजायम, ये जो नंद का लाला है क्या है, तस्मात नारायण समगुण,
इस खातिर नारायण का भी कुछ कुछ गुण प्रकाश पाएगा कि नंदोवा सोच रहे हैं, लेकिन असली अर्थ क्या है, नारायण का कुछ गुण कृष्ण के अंदर में भी है, कृष्ण का नारायण में कुछ जो गुण है कृष्ण का कुछ कुछ गुण नारायण में भी प्रकाशित होगा, ये असली अर्थ है। फिर जब उन्होंने बताया बोले और बोले श्रीया कृत्यानुभाव है ना, कहते तुम्हारी जो बेटा है ना, कहते श्रीया कृत्यानुभाव मतलब क्या है, बोले श्री कीर्ति हैं, कहते प्रभाव में ये नारायण तुल्य होगा, श्री और कीर्ति को द्वारा नारायण तुल्य होगा, इसलिए लेकिन उसका जो दूसरा अर्थ है बोले श्रीया कृत्यानुभाव है ना, इसका दूसरा अर्थ होता है, कहते यहाँ पर श्री राधा रानी जो जन्म लेगी यहाँ पर भी उनका नामकरण करते समय कहते हैं कि जो श्री मतलब श्री राधा रानी हैं, कृष्ण अकेले नहीं आएंगे श्री राधा रानी भी आए, उसके बाद में बोले कीर्त्या मतलब उनके माँ का नाम क्या होगी, कीर्तिका सुंदरी होगी, यहाँ पर उनकी माँ का नाम भी बता देते हैं, राधा जी का माँ का नाम से कीर्तिका सुंदरी, यहाँ पर भी गुप्त रूप में यहाँ पर बताए दिए। तो यहाँ कहते बोले काले न ब्रज कालपे न गोकुले राम के सब जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमानम ब्रज बीज ह्रतु। यहाँ पर कृष्ण की यद्यपि कुछ ऐश्वर्य पर लीला है, अभी कुछ लीला ऐसे बताने जा रहे हैं जो बड़े माधुर्य पर लीला है, जो लीला अति माधुर्य। तो यहाँ कह रहे हैं उनका माधुर्य लीला क्यों क्यों बता रहे हैं, बोले कारण है कहते ऐश्वर्य लीला में जितने भक्तों का मन आकर्षित होता है, लेकिन माधुर्य लीला में उसमें ज्यादा आकर्षित होता है, इसलिए कृष्ण भगवान होते हुए भी कृष्ण उन्होंने क्या किया, एक साधारण बच्चा जैसे लीला करता है ना ऐसे कृष्ण करते हैं, हाँ जब बच्चा जैसे घर में नटखट करते हैं कृष्ण ऐसे नटखट किया, उसको बात सुनो तो हम कान खड़े करके सुनते हैं, ओ भगवान भी ऐसे ऐसे लीला किए, ठाकुर भी ऐसे लीला किए, इसलिए माधुर्य लीला के द्वारा भक्तों का चित्त ज्यादा आकर्षित तो होते हैं। उन्होंने क्या किया कहते कृष्ण जब थोड़ी सी बड़ी हुई, हम कुछ दिन पहले सुने थे कृष्ण ने क्या किया था, कृष्ण ने करवट लिया है, करवट की कथा सुनी ना, कृष्ण करवट लिए, करवट के बाद फिर बच्चे क्या करते हैं बोलो, घुटने पर चलते हैं, इसलिए बोले जानो भ्याम, अभी कृष्ण अपना घुटन पर कृष्ण घुटन में चल रहे, इसलिए जब थोड़ी दूर थोड़ी दिल के बाद में कृष्ण अपना जानू और हाथ को द्वारा उन्होंने घुटन पर उन्होंने चले, जब प्रभु जी लीला कर रहे थे उसमें क्या बता रहे हैं, बोले जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग मानव ब्रज हतु, कहते राम और केशव गोकुल में अपना घुटन घुटने में चलना शुरू किया, जब घुटन में कृष्ण चलना शुरू किया वो कैसे चलते थे, तब यहाँ पर कहते हैं बोले तवांग्री जुग्म अनुकृष्य सरी श्रीपंतौ घोष प्रघ सुरुचिरम ब्रज ब्रज कर्दमेशो तत नाद हृष्ट मनसावनु श्रित्यम लोकम मुक्तम प्रभीत वदुपेय भुरंति मात्र कतवाग्नि जुग्म मन कृष्ण सरी श्रीपंतम सरी श्री मतलब जैसे सांप होता है ना, सांप देखे हो, सांप देखे हो ना, सांप ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलते हैं सांप, उसी तरह कृष्ण भी अभी सर्प जैसे ऐसे ही कृष्ण अभी अपना घुटन पर कृष्ण अभी सर्प जैसे चलते हैं, बोले कहाँ चलते हैं शरीर पर जैसे, कहते घोष और प्रघस रुचिनम ब्रज कर्दम हेतु, कहते ब्रज का जो कर्दम, कर्दम मतलब होता है कीचड़ है, वहां पर जैसे गैया कभी कभी जैसे क्या पर गैया है ना गोबर कर देते हैं, गैया गोबर कर देते क्या होता है, अगर उसको ऊपर चलेगा तो सारे कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, इसलिए और ब्रज का जो कर्दम, कर्दम मतलब वहां का जो कीचड़, फिर गैया का मूत्र, फिर उसमें गोबर सब लगा हुआ है, हैं कृष्णा जैसे सांप जैसे चलते हैं कृष्ण ऐसे ही ब्रज का जो कीचड़ में कृष्ण ऐसे ऐसे कृष्ण चलते हैं, इसलिए हम पहले कथा सुनते हैं ना, क्या कथा है, एक दिन कृष्ण बलराम सोच रहे हैं जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है मैया क्या करती है, ये ब्रज राज गोमूत्र से हमें गोमूत्र से गोबर से स्नान कराती है, बोले भैया गोमूत्र गोबर में है क्या चीज, जब जब कोई विपत्ति आए इसमें स्नान कराती है। एक दिन मैया ने कृष्ण बलराम दोनों को बड़े सुंदर श्रृंगार किया, श्रृंगार करके बोले तुम दोनों खेलते रहो, इतने में कृष्ण बलराम ने क्या किया,
बोले गैया पर बंधे थे वहां पर गए, जितने गोबर कीचड़ और गोमूत्र था ना, ये सारा शरीर को एकदम पोत दिया। पोत करके दोनों भैया बैठे थे, मैया बोली दोनों बालक गए कहां दुष्ट? बोले कन्हा बलुआ तुम दोनों कहां हो? हैं? बोले मैया हम यहाँ है। बोले वहां क्या कर रहे हो? जाकर देखा सारी कीचड़ कीचड़, इसलिए हमारे बिल्लो मंगल कहते हैं है? बोले तुम सुकर हसी गुतना, उस लोग मेरे पूरा तुम लोग को ढूंढ लेना, बहुत बढ़िया श्लोक है। इसलिए मैया तो दोनों का कान पकड़ लिए, कान पकड़ करके कहते क्यों रे पूर्व जन्म में क्या तुम दोनों सुअर थे? तुम सुकर असी गत पुतना रे, पहले हे पुतना के अरे कृष्ण क्या तुम सुकर असी, क्या तुम दोनों पहले सुअर थे? सुअर क्या करते हैं? किचड़ में लौट पट सुअर करते हैं ना, और तुम दोनों क्या कर रहे? सुअर जैसे किचड़ में लौट पट घर गया, तुम सुकर असी क्या तुम सुअर थे? कृष्ण अपना सर कैसे हिला रहे? बोले हम तो पहले सुअर थे, लेकिन मैया को कैसे पता चल गया? क्योंकि भगवान ब्रह्मा बता रहे सत्य जी को मिली, स्वर का बता रहे हैं, कहते ये मैया कैसे पता चलेगा? इसलिए यहाँ बते ब्रज कर्दमेषु, यहाँ पर शिक्षा देते जो ब्रज का जो मिट्टी है, ब्रज का जो कीचड़ वो कोई साधारण नहीं। इसलिए बंगला में एक शब्द है, बोले धूला न है धूली न है गोपी पद रेणु जिये रेणु मेखेचलो नंद बेटा रखा, ये बंगला में कहती ब्रज का धूला धूली नहीं। उद्धव भी जिनकी एक धूल बना को वंदना करते हैं, ब्रह्मा भी जहाँ धूल बनना चाहते हैं, इसलिए शंकर भी जो धूल बनना चाहते हैं, यह धूल कोई साधारण नहीं, ब्रजवासियों का चरण धूल कृष्ण स्वयं अपना शरीर में लगाते हैं। इसलिए कोई कोई संत कहते हैं कृष्ण मिट्टी तो खाए, कृष्ण तो मिट्टी खाए, यहाँ भी ब्रज का मिट्टी में कीचड़ में सात बजे से है चलता है, उन्होंने भी चले तब भी कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने क्या किया? फिर जब कृष्ण बछड़े बने, जब ब्रह्मा जी बछड़े को चुरा लिया, अभी कृष्ण ने क्या बने? बछड़े बने। बछड़े बनकर क्या करते? घास खाते। जब घास खाते हैं, अब गई अब घास खाते हुए देखे, जब घास खाते हैं क्या होता है? घास खाते समय वहां जितना धूल समूह में लगता है, अब उसका आघ्रण लेते हैं, गई उसका आघ्रण, तब भी कृष्ण का पेट नहीं भरा, फिर बछड़े बनकर कृष्ण ये ब्रज रज की सुन गई और वहां घास खाए, उसका रस आस्वादन किया। ये ब्रज रज की इतने महत्व है, जो तिलक लगाते क्या है? ब्रज रज है ना, भगवान जी से ब्रज रज में ठाकुर जी से स्नान किए, ये ठाकुर तिलक लगाती ब्रज रज है, ये गोपियों की ब्रजवासियों का चरण धूली, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। और राम को देखो, कृष्ण को देखो, नारायण को देखो, जो तिलक लगाए ना इसी मिट्टी से, दूसरे चीज नहीं, इसी मिट्टी से हम जो तिलक लगाते इसी से ही भगवान तिलक इसी से ही लगाते हैं, ब्रज हाँ द्वारका से आता है इसी से, क्यों जानते हैं ब्रजवासियों का चरण धूली, इसको लगाने पर भगवान कहते हैं इसको लगाने पर मेरी हृदय में भी भक्ति मिलेगी, हमें भी भक्ति मिलेगी, इतने महत्व। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ब्रज कर्दमेषु, ब्रज का जो कर्दम जो कीचड़ है, कृष्ण स्वयं आज जैसे सरीसृप सांप जैसे चलते हैं, आज ठाकुर जी स्वयं चलते हैं, हैं? तवाग्री जुग्म अनुकृष्य, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं अपना अंग्री मतलब अपना घुटन पर कृष्ण चल रहे, चलते चलते बोले घोष और प्रघोष रुचिरम, वहां पर क्या होता है घोष और प्रघोष, वहां पर जो गोपियां देखते हैं कृष्ण बलराम दोनों बच्चे हैं वहां पर कीचड़ में खेल रहे कूद रहे हैं, जैसे सब माताएं होती है ना, जब माताएं होती है क्या कहती है कभी कभी हा हा हो करते रहते हैं, घोष और प्रघोष, देखो कृष्ण क्या कर रहे, दाऊ भैया क्या कर रहे, ए क्या कर रहे, इधर आओ, जैसे करते ना घोष और प्रघोष, वहां पर सबके सब उनको हैं कहते हो हाँ हाँ करते करते करताल दे रहे, आप ब्रजवासी ताली बजाते हुए कृष्ण को हंसी दिलाई कर रहे हो हाँ कैसे करते हैं। ऐसे कृष्ण बलराम दोनों जब खेलते हैं ऐसे लगता है चंद्र सूर्य एक साथ में जैसे प्रकट हो गए, एक काले रंग के और एक गौर रंग के, बोले तन नाम दृष्ट मनसा मनुसृत लोक मुक्त प्रभीत बदुपेय वरंति मात्रेण, इसलिए कृष्ण बलराम क्या करते हैं उन्होंने कभी कभी अगर दूसरे माताओं को देख लेते हैं ना, अब बच्चों का स्वभाव होता है अगर किसी माता को देख लेते हैं हम उनको पीछे से पहचान तो नहीं पाती है कौन है, कृष्ण बलराम उनको पीछे पीछे कभी चले जाते हैं माँ माँ मान करके, लेकिन जो उनको कपड़ा पकड़ लेते हैं माँ बोल करके
इतने में तो माता जी से घूम जाती है, जब कृष्ण देखते तो मेरे भैया जसोदा नहीं थे और कोई है, फिर कृष्ण बलराम वहां से डर के मारे भाग आते हैं, कहते अरे तो मेरे भैया नहीं है तो और कोई है, हैं? और किसको मैंने माँ पीछे कपड़ा एक ही होता है ना, पीछे पीछे चले जाते हैं। ऐसे कृष्ण ही बचपन में हैं, बचपन में उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर हैं, कहते कभी करभूषण, कभी चरण भूषण हैं, कभी उनकी कटी भूषण माँ कमरे में बड़े सुंदर से नुकुर, आप देखे उनके बचपन में, हम गांव में सब देखे बच्चों की कमर में छोटे छोटे नुकुर बांध देते थे, बच्चे की चरण में छोटे छोटे नुकुर बांध देते थे, कभी जो हाथ में नुकुर बांध देते थे, और जो बच्चा चलता है ना छम छम आवाज होता है, हैं? जब ये छम छम आवाज होता है कृष्ण स्वयं इसको सुन करके कभी बच्चों को जब है जब बच्चे सुनकर कभी कभी स्तंभित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, और सुन करके कृष्ण बलराम बड़े खुश होते हैं, ये आवाज को सुनते सुनते बड़े आवाज को कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए ऐसे ही कृष्णा बचपन में बड़े सुंदर सुंदर कृष्णा लीला करते हैं, इसलिए कहते अग्री जुग्मा अनुकृष्ण, इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ कह रहे हैं श्री परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो ऐसे नहीं कह रहे, उन्होंने एकदम ध्यान में बैठे हुए उनका सारे लीला उनका हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं, वो डायरेक्ट ठाकुर का लीला को दर्शन कर रहे हैं। इसलिए ये परीक्षित महाराज तो परीक्षित देख, वहां जो शब्द है परीक्षित तू देख कैसे ठाकुर जी कैसे मिट्टी में कैसे हाँ सर्प जैसे कीचड़ में लोट को उठा रहे हैं, और किसने कृष्ण मुग्ध हो रहे हैं, दूसरे को पीछे पीछे माँ माँ बोलकर जा रहे, कितने ठाकुर जी कितने सुंदर लीला करते हैं। इसलिए कहते हैं पंकांग रांग रुचिरम विपगुहा दौर्भ्यम, यहाँ पर तो पंकांग राग, पंक मतलब कीचड़ है, कहते कृष्ण कीचड़ को द्वारा क्या होता है, उसको द्वारा अंग को उन्होंने बड़े सुंदर रूप में कीचड़ से भूषित है। अगर आपका शरीर में कीचड़ लगा दे आप बता कैसे दिखोगे, आप बता आपके शरीर में कीचड़ लगा दे आप कैसे दिखोगे, अच्छे दिखोगे? लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं पंका पंका भी राग, जब कृष्ण का शरीर में कीचड़ लगा हुआ है ना तो उसी समय भी कृष्ण और सुंदर दिख रहे थे, हैं? और भी कृष्ण सुंदर दिख रहे थे, इसलिए यहाँ कहते हैं सुंदरम की असुंदरम, भैया सुंदर में असुंदर क्या हो सकता है, कृष्ण का अंदर कोई असुंदर नहीं, कृष्ण जब कुबले हाथी को मारे ना दोनों दांतों को दोनों भैया पकड़ कर उखाड़ लिए, उखाड़ करके जब दांत हाथी का दांत जब उखाड़ दिए क्या होगा, खून निकलती है, कृष्ण को बलराम का शरीर में खून का छीटा पड़ा हुआ, लेकिन कृष्ण जब चल रहे हैं किसका शरीर में अगर खून लगे जाए अच्छी थोड़ी दिखेगी, लेकिन जब कृष्ण चल रहे थे सुंदर और भी कृष्ण सुंदर दिख रहे थे, इसलिए भगवान के शरीर में कोई असुंदर नहीं, सबके सब उनके शरीर में सुंदर है। इसलिए जितने ब्रज गोपियां होती थी ना सबके सब घर का सारे काम काज को छोड़ करके क्या करते थे, दिन रात कृष्ण लीला में ही मस्त रहते थे, कृष्ण लीला में ही डूबे रहते थे। अभी धीरे धीरे कृष्ण थोड़ी सी बड़े हो रहे हैं, जब कृष्ण बड़े हो रहे हैं बड़े होने पर क्या होता है, अब देखना कृष्ण जब बच्चे चलना शुरू हो जाते हैं ना थोड़ी सी चलना शुरू होते हैं, अब तो सब बच्चों को पालन किए हुए, उनका दो दो बच्चे एक कृष्ण एक बलराम, कृष्ण का जितना उम्र बलराम का कितना दिन उम्र है, उससे 15 दिन कृष्ण से बड़ा 15 दिन है, केवल इतना ही छोटे हैं ज्यादा बड़े नहीं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वो दोनों इतने चंचल, जब देखना छोटा तो बड़ा छोटे थोड़ी सी चलना शुरू कर देना बच्चे को संभालना बड़ा कठिन होता है, आप तो बच्चे को संभाल लेंगे, अरे दो दो बच्चे संभालना बड़ा कठिन है, इतने दोनों चंचल थे कहते दो माँ कभी एक साथ में कभी घर का काम नहीं कर पाते थे, एक माँ तो दोनों बच्चे को संभालती है और एक माँ घर का काम करती है, इतने कृष्ण चंचल थे। इसलिए कृष्ण कभी कभी क्या करते थे, हैं? जैसे कोई कोई बछड़ा होगा ना कोई बैल सोया होगा सीधा सीधे सिंह को पकड़ लेते, फिर कहीं अगर कोई आग जलता हुआ आपको पता होगा बच्चा को तो पता नहीं आग क्या, आग को पकड़ने के लिए जाए फिर वहां से बच्चा कर दिया, फिर कहीं कुत्ते को देख ले तो कुत्ते को पीछे भाग जाए पकड़ भैया वहां से पकड़ करके लाए, कभी सांप अगर देखे वहां जाकर पकड़ने के लिए जाए, कहीं अगर पानी देखे बाल्टी में वहां पानी में जाकर के हाथ मारते हैं, फिर अगर कहीं चिड़िया देख ले उसको पीछे भागते हैं, कभी अगर कांटा देखते हैं कांटा को पकड़ने के लिए जाते हैं, कभी अगर उन्होंने कोई तलवार देखते हैं वो तलवार में हाथ लगाने जाते हैं। माताएं क्या करती हैं आपको देखना, माता सुबह एकदम चंचल, माता का मन ठीक नहीं रहता, हर समय बच्चे को देखते रहता है,
अगर कहीं बैठा हुआ ना बच्चे की क्या कर रहा है नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे दोनों ऐसे ही बचपन में बड़े चंचलता बड़े, इसलिए इतने में धीरे 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 कृष्ण ने जब पहले चलते थे घुटन पर, अभी कृष्ण धीरे 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 थोड़ा जब बड़े हो गए कृष्ण, बड़े होने पर भी कृष्णस्य गोपी रुचिरम भिक्ष कौमार चापलम श्रृणंत्या कील तस्मात तस्मातुरितम होश समागता। कभी कृष्ण का इस लीलाओं को दर्शन करते हुए हैं, दर्शन करते हुए कृष्ण जो सुंदर सुंदर लीला जब करते थे कहाँ करते थे, कभी कभी कृष्ण गोपियों के घर में जाकर के सुंदर सुंदर लीला करते थे अद्भुत, और गोपियां दोनों कृष्ण बलराम की लीलाओं को देख करके इतने प्रसन्न इतने खुश हो जाते थे। कभी कभी वो सोचती थी कृष्ण बलराम तो हमारे घर में आकर के इतने सुंदर ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, लेकिन ये जो कृष्ण चापलता कर रहे हैं चंचलता कर रहे हैं है? इसमें ही माँ को आनंद लगता है, माता को इसमें ही आनंद लगता है। अगर बच्चा ऐसे कुछ दूसरों बैठ जाए बच्चों को माँ को अच्छा लगा थोड़ी, वो बल की चपलता पर माँ को अच्छा लगता है, यहाँ से बचाए वहां से बचाए वहां से बचाए। अभी ये जो कृष्ण लीला कर रहे हैं लीला को दूसरे दूसरे गोपियां तो आस्वादन करती है, लेकिन मैया जसोदा नंद कभी कभी जसोदा और जो रोहिणी कभी कभी ये लीला का आस्वादन नहीं कर पाते, क्यों कृष्णा भी चलना शुरू हो गए। इसलिए इसलिए गोपियां कहती हैं ये लीला को तो हम आस्वादन करते हैं, लेकिन मैया जसोदा रोहिणी को ये आनंद नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभी गोपियां क्या करती, कृष्ण जो नटखट करते हैं ना, गोपियां झुंड के झुंड बना करके आती है आकर के मैया को पास में, कभी कभी इनकी चापलता को बोलते हैं, और ये जो दुष्टा भी करते हैं नटखट करते हैं वो कथा भी आकर के मैया को सुनाते हैं। तो क्या सुनाते हैं, बोले बसान मुच्चन कुचित असमय क्रोध संजात जात। बोले मैया जानते हो तेरे बेटा क्या करता है, कभी कभी बछड़े को खोल देता है, बोलते अच्छा अच्छा ही काम करता है बछड़े को खोल देता है, काम का काम करता है घर का काम करता है। बोले नहीं, बोले असमय बछड़े तो खोल देते हैं, लेकिन ये क्या असमय, जिस समय खोलना चाहिए उस समय खोलनी चाहिए ना, ये असमय में खोल देते हैं, बछड़े सब जाकर सारे दूध पी लेते हैं, सारे दूध को बच्चे पी लेते हैं। इसलिए असमय में अगर हम कभी क्रोध करते हैं ना, हाँ क्रोध कुम असमय कृष्ण क्रोध, वो ऐसे हंसते हैं ना, ऐसे मिट्टी मिट्टी हंसते हैं जिनको हंसी को देख हम भूल जाते हैं, हाँ क्रोध हमारी जो आता है क्रोध को भी हम भूल जाते हैं। इसलिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या शिकायत करते हैं, कैसे कृष्ण मक्खन चोरी करते हैं, इसको बाद में कृष्ण की मक्खन चोरी की कथा आएगा, फिर हम लोग कल सुनेंगे मक्खन चोरी कथा। बस ये मक्खन चोर की बस ये कृष्ण का नहीं आ लाल की इताई गौर ब्रह्मानंद दे। हरे कृष्णा आज उसको बंद कर दो, लाइव वाले भी रह जाएंगे।